हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर के फाइनेंशियल सेंटिमेंट इंडेक्स के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स है, आप सब जानते होंगे और आप में से काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे ट्विटर और डिस्कस करते होंगे अपने ट्रेड्स को, या किसी स्टॉक के बारे में अगर आप आउटलुक डिस्कस करना चाहते हैं या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस डिस्कस करना चाहते हैं। इसी तरीके से अभी आप मॉनेटरी पॉलिसी नीड आ रही है तो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे या नीचे जाएंगे या पॉज होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज है जहां लोग डिस्कस करते हैं अपने अपने टॉपिक एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये होता है बिल्कुल ही पब्लिकली। तो ट्विटर ने एक दिमाग लगाया, ट्विटर ने कहा कि एक काम कर सकते हैं हम कि जितना भी ये कॉन्वर्सेशन है ये सब हो रहा है पब्लिक डोमेन में, और लोग अक्सर अपने ओपिनियंस आते हैं ट्विटर पे बनाने के लिए या फिर उनके ओपिनियन को चैलेंज किया जाता है, तो अगर वो करेक्ट होते हैं तो वो कोई और सामने वाला उनके ओपिनियन को एडमिट करता है, या फिर लेट्स से नहीं भी करता तो लोग अपने ओपिनियन जो ट्रू ओपिनियन है वो ज़रूर देते हैं ट्विटर पर आकर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसे यूज़ कर पाए। अगर आज आपको देखना है कभी भी इलेक्शंस होते हैं चाहे US में हो या इंडिया में, हमेशा एग्जिट पोल्स आते हैं, आप एग्जिट पोल्स देखते हैं तो यहाँ पर भी एक सर्वे होता है जहाँ पर जितने भी न्यूज़ वाले लोग हैं या जो भी आप कह सकते हैं सर्वे की इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जाती हैं लोगों के पास जहाँ पर वो वोट डाल रहे हैं, और वहाँ जाकर उनसे उनका मूड पूछा जाता है, उनका डिसीजन पूछा जाता है, सेंटिमेंट पूछा जाता है, राइट। तो इस तरीके के सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मार्केट और लोग हमेशा किसी चीज़ किसी इवेंट के होने से पहले उसे प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरी दुनिया में, अगर कभी भी फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल लगे तो मार्केट में केओस क्रिएट हो जाता है, जैसा कोविड के वक्त हुआ या इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ। तो यहाँ पर ये बहुत ही यूजफुल इंडेक्स बन सकता है। ट्विटर ने कहा है कि जितने भी कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं पब्लिक डोमेन में किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि इंटरेस्ट रेट है या फिर इलेक्शन है, वहाँ पर वो सारे कॉन्वर्सेशन को यूज़ करेगा। तो एक तरीके से वो पाइलअप करेगा, डेटा को रिकॉर्ड करेगा क्योंकि ये सारा पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी, एंड मशीन लर्निंग के थ्रू वो इसे एनालाइज करके ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा कि लोगों का या फिर पूरे आप कह सकते हैं मास का इस वक्त जो बिहेवियर है या सेंटिमेंट है वो क्या है। सो लेट्स से अगर डिसीजंस आते हैं डेट सीलिंग के बारे में, अभी US में डेट सीलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी, या फिर अभी फेडरल रिजर्व इस बार क्या करने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा या नीचे लेकर आएगा, इसके बारे में भी लोगों का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। तो ट्विटर यहाँ पर क्या करेगा, जितने भी कॉन्वर्सेशंस हैं इससे रिलेटेड उन्हें वो कलेक्ट करेगा और एक बड़ा कह सकते हैं डेटा पाइलअप करेगा उनका, कितने लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, कितने लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं, कितने लोगों का ओपिनियन न्यूट्रल है। तो इस तरीके से वो थ्रू वर्ड्स फिल्टर कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इतने बड़े डेटा को मशीन लर्निंग के थ्रू और अच्छे कंप्यूटर्स को यूज़ करके वो काफ़ी सारे एनालिसिस कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोग या ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता कभी भी, तो ऑन एन एवरेज कितने लोग ये सोच रहे हैं कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक करने वाली है, उसके बाद कितने लोगों का स्टांस ये है कि फेडरल रिजर्व न्यूट्रल रहेगी, एंड कितने लोगों का स्टांस ये है कि रेट एक्चुअली डिक्रीज होगी। और इस तरीके से जब भी कोई इवेंट्स आने वाला है तो वो गेज कर पाए मार्केट का सेंटिमेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है ये गवर्नमेंट्स के लिए भी और बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब ये सिर्फ मार्केट्स की बात है, लेकिन अगर ये यहाँ सक्सेसफुल होता है और एक्यूरेट होता है तो इसके बाद जब इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन से पहले ही कंप्यूट कर पाएंगे, राइट, कि लोगों का इस बार जो ओपिनियन है या सेंटिमेंट है वो किसकी तरफ है, क्या वो एंटी इनकमबेंट है या क्या जो भी उनका आउटलुक है लोगों का। और इसके बाद अगर इलेक्शन से पहले रिलीज़ करते हैं तो जो पार्टीज़ लेट से उन्हें लगता होगा कि वो जीतने वाली हैं बट उनके अगेंस्ट आता डेटा, तो वो और बेटर आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे या लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस अपने कैंपेन्स में कर पाएंगे ताकि उन्हें इम्प्रूवमेंट्स का और कह सकते हैं कि और इवॉल्व अपने कैंपेन को इवॉल्व करने का मौका मिले। तो इस तरीके से सिर्फ ये पॉलिटिकली नहीं और भी बहुत यूसेज है इसके, तो लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें, कितनी एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर पाता है मार्केट। ऐसे और भी इंडिसेस हैं काफ़ी सारे बट ट्विटर के पास जितना डेटा है ये कहना मुश्किल है कि किसी और के पास भी इतना डेटा हो, क्योंकि ट्विटर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्कोर्स होते हैं पॉलिटिक्स को लेके, स्टॉक मार्केट्स को लेके। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड प्लीज़ लेट अस नो अगर आप ऐसा कोई इंडेक्स यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के वक्त, एंड ऐसे कौन कौन से इंडिसेस हैं जो यूज़ में आते हैं इस वक्त। धन्यवाद।